जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जोन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 15। सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिः ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का पुरुषोत्तम प्राप्ति योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, हम सभी प्राणियों के हृदय में अंतरात्मा के रूप में विराजमान है। हमरे कारण ही सभी प्राणियों में स्मृति, ज्ञान, कल्पना और विस्मृति है। संपूर्ण वेद हमका ही जानत हैं। समस्त वेदों के अध्ययन से प्राप्त होए वाला एकमात्र हम ही यही और समस्त वैदिक कर्मों के फल दे वाला भी हम ही यही, वेदों में वर्णित फल दे वाला भी हम ही यही। हम वो एकमात्र ही जिस सभी वेदों और वेदों तथा उपनिषदों के आंतरिक अर्थ का जाने थे। ऐसा कहके श्री कृष्ण परमात्मा ई घोषित करता है कि वे सभी जीवित प्राणियों के हृदय में विद्यमान हैं, जहाँ से उनके जीवन व्यापन के लिए आवश्यक ज्ञान के जन्म होते हैं। इसलिए हमका ई समझे के चाहिए कि श्री कृष्ण परमात्मा ही यहाँ जे वैदिक अनुष्ठान करे वालों का फल देते। श्री कृष्ण परमात्मा ही हैं जिनके बारे में सभी वेद कहते हैं और वे ही एकमात्र हैं जो वेदों तथा उपनिषदों के अर्थ का जानत हैं। श्री कृष्ण परमात्मा इस भगवत गीता के माध्यम से जौन कुछ भी कहता है वह वास्तविक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए और श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हुए आओ हम केवल श्रीमन नारायण के शरण ली और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथा स्वरूप दोहरावे के प्रयास करी। सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। श्रीमद् भगवत गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा
आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक ना करे के उपदेश अनुसार हम शोक न करब। हमार सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिः ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। ॐ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। जय श्रीमन्नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाएगी। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।